नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में पहले ही 2 SIT का गठन किया जा चुका है, जिसकी जांच में लगातार टीमें जुटी हुई हैं। वही तीनों हत्यारों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जबकि अतीक की हत्या के बाद खड़े हुए सवालों के जवाब को तलाशने के लिए आज SIT की टीम जो है वो सीन का रिक्रिएशन करने घटना स्थल यानी कि कॉल्विन अस्पताल पहुंची। सीन रिक्रिएशन से पहले मौके वारदात पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया है। तो ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, ये वही कॉल्विन अस्पताल है जहां पर अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। तो वही इस मामले पर जहां 2 SIT टीमों का गठन किया गया है, तो वहीं बीते दिनों तीनों हत्यारोपियों के पुलिस रिमांड को मंजूर किया गया और वहीं तमाम सवालों के जवाब भी उनसे जानने की कोशिश की गई। तो वहीं आज उनके रिमांड का दूसरा दिन था, तीनों हत्यारों के रिमांड का दूसरा दिन था, जहां जो SIT की टीम है वो सीन रिक्रिएट करने पहुंची, यानी किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो इन तस्वीरों में अतीक का शव भले ही नकली है, लेकिन जांच ये पूरी तरीके से असली है, क्योंकि जब सीन को रिक्रिएट किया गया तो ये पूरा सीन वही है जब अतीक और अशरफ कॉल्विन अस्पताल में अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए उतरे थे। हर एक एक्टिविटी सीन रिक्रिएशन के दौरान देखी जा रही है। पहले अशरफ उतरता है, फिर अतीक उतरता है। ठीक उसी तरह सीन रिक्रिएशन में हुआ कि गाड़ी से पहले अशरफ उतरा, फिर अतीक उतरा है। तो क्राइम सीन का रिक्रिएशन प्रयागराज में किया गया, ये वही कॉल्विन अस्पताल है जहां पर अतीक और अशरफ को गोलियों से भूना गया। तो क्राइम सीन का जो है एक तरफ बाहर रिक्रिएशन हुआ, रिक्रिएट किया गया, तो वही अंदर तीनों हत्यारोपियों से पूछताछ की जा रही थी। और ये सभी लोग भले ही नकली हैं, पुलिस को छोड़कर जो सभी इस रिक्रिएशन में शामिल है, तीनों हत्यारोपी अतीक और अशरफ, ये दोनों ही नकली हैं, लेकिन ये जो पुलिस की जांच है, ये जो सीन रिक्रिएशन है, ये पूरी तरीके से असली है। और पुलिस अब ये समझने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया और कहां पुलिस की चूक हुई जो प्रयागराज एक बार फिर से दहल उठा। तो SIT और न्यायिक आयोग की टीम के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी इस मामले में तफ्तीश की है। तो जहां एक तरफ SIT की टीम मौजूद रही, तो न्यायिक आयोग के साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश की है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आज अतीक और अशरफ हत्याकांड का सीन रिक्रिएट हुआ, इस तस्वीरों में हमने देखा कि अतीक और अशरफ भले ही नकली हैं, लेकिन ये जो पूरी जांच है वो असली है, तो ये सीन रिक्रिएशन कितने देर तक चला और क्या कुछ इसमें जो पुलिस है, जो टीमें हैं, उनको साक्षात लगे? जी बिल्कुल मुस्कान, बीते 15 अप्रैल को करीब था जब पूरा प्रयागराज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया। क्यों 15 अप्रैल को करीब 10:30 बजे पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद था उसके भाई अशरफ को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और इस पूरे घटना की गूंज पूरे प्रदेश ने सुनी, क्योंकि घटना के ठीक दूसरे दिन बाद से प्रशासन द्वारा एहतियातन इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई। हालांकि अब इस पे SIT की टीम का गठन किया गया है और SIT की टीम ने आज फिर वही कॉल्विन अस्पताल पहुंचकर अतीक और अशरफ के हत्याकांड के सीन को रिक्रिएट किया है। क्राइम सीन को वहां पर रिक्रिएट किया गया और देखा गया कि किस तरीके से अतीक और अशरफ को हमलावरों ने गोली मारी थी। हालांकि इस पूरे घटना का तमाम वो जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी। हालांकि आज की इस तस्वीर में अतीक और अशरफ का जो शव दिखाया जा रहा है वो नकली है, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से ठीक है। पवन, अमूमन हमने देखा है कि जब सीन का रिक्रिएशन होता है तो हत्यारे मौजूद रहते हैं, तो आज जब कॉल्विन अस्पताल के बाहर ये पूरा सीन रिक्रिएट हुआ, तो उस वक्त हत्यारे क्या जेल में थे या फिर मौके वारदात में मौजूद थे? चूंकि अतीक और अशरफ की हत्याकांड के जो तीनों आरोपी हैं उनको कड़ी सुरक्षा के बीच नैनी केंद्रीय कारागार से जिला प्रतापगढ़ कारागार में शिफ्ट कर दिया गया और पुलिस द्वारा जब उनको कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी गई तो उनकी रिमांड 4 दिन की मंजूर हो गई है। ऐसे में जो पुलिस टीम है वो इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रिक्रिएशन सीन में
वो तीनों आरोपी भी लाए जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर उनको वहां पर नहीं लाया गया है। लेकिन आज जिस तरीके से यहां पर जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, वो तस्वीरें लोगों के जेहन में बार बार कौंध रही हैं, जब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी। हालांकि जो जांच कमेटी है वो जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है अतीक अशरफ के हत्याकांड को रिक्रिएट कर रही है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे घटना का खुलासा होगा। आखिर किस तरीके से ये हत्यारे वहां पर पहुंचे हैं, किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आने वाला जो वक्त है वो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है पवन, कॉल्विन अस्पताल के बाहर सीन रिक्रिएट हुआ और आज एक इस हत्याकांड का कहा जाए कि नया दिन है, क्योंकि 20 अप्रैल और आज हत्यारोपियों के रिमांड के मंजूर होने का दूसरा दिन है। तो आज जब ये सीन रिक्रिएट हुआ तो वहां पर कौन कौन सी टीमें मौजूद थी और कौन कौन सी नई कड़ियां खुल सकती है इस सीन रिक्रिएशन के बाद? जी बिल्कुल, इस एसआईटी की टीम में जो जांच कमेटी है उसमें न्यायिक टीम है, फॉरेंसिक टीम है, पुलिस की तमाम वो टीमें हैं जो इस पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही है, क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। तो आने वाला जो वक्त है वो महत्वपूर्ण होने वाला, और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, तमाम पुलिस कर्मियों की टीमें लगाई गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ ये भी है कि आज जिस तरीके से सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है, ऐसे में मीडिया कर्मियों की भी तलाशी ली गई, उनके बैग खंगाले गए और तमाम वो जांच की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो जांच सदस्य, जो इनकी जांच कमेटी की जो टीम है, न्यायिक टीम है या फॉरेंसिक टीम है, उसने तमाम साक्ष्य जुटाए हैं और आने वाले दिनों में अतीक और अशरफ हत्याकांड के तमाम वो सबूत एसआईटी टीम के पास होंगे, जांच कमेटी के पास होंगे। आने वाला जो वक्त होगा वो निश्चित रूप से अतीक अशरफ हत्याकांड में नए खुलासे कर सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो तीनों आरोपी हैं। ठीक है पवन, तीनों हत्यारोपियों की जब बीते दिनों रिमांड मंजूर हुई तो जाहिर सी बात है कि उनसे एक लंबा सवाल और जवाबों का दौर चला होगा, पुलिस के अधिकारी पूछताछ कर रहे होंगे, तो उस पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, उस पर क्या अपडेट मिल पाई है आपको? चूंकि मुस्कान ये पूरे प्रदेश का सबसे बहुचर्चित हत्याकांड है, ठीक है, उमेश पाल हत्याकांड की बात करें या तो अतीक अशरफ की हत्याकांड की बात करें, क्योंकि अतीक के उस अतीत को भी नहीं भुलाया जा सकता है जो बीते कई वर्षों में प्रयागराज तथा आसपास के शहरों में, पूरे पूर्वांचल में देखने को मिलता था। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश का ये सबसे बड़ा बहुचर्चित हत्याकांड है। ऐसे में ये जो आरोपी है वो हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस की कस्टडी में है। हालांकि जो जांच पड़ताल की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, लेकिन किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है या क्या सवाल सामने रखे गए हैं या आरोपियों ने क्या सवालों के जवाब दिए हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो जांच पड़ताल का जो दौर है, जब चार दिन पर रिमांड पूरी होगी, पुलिस की पूछताछ पूरी होगी, तो निश्चित रूप से चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। तो आने वाला जो वक्त है उमेश पाल हत्याकांड तथा अतीक अशरफ हत्याकांड के कई कड़ियों को जोड़ता नजर आ रहा है। ठीक है पवन, आज जब ये सीन रिक्रिएशन की तस्वीरें सामने आई तो हमने देखा कि कई काफी लंबे समय तक ये सीन रिक्रिएशन चला, तो कितने समय तक ये सीन रिक्रिएशन चला, और इस दौरान हमने देखा कि पुलिस के हाथ में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से पुलिस के हाथ में थे? जी बिल्कुल मुस्कान, जब आज बीते कल से ही कयास लगाया जा रहा है कि एसआईटी की टीमें कॉल्विन अस्पताल पहुंचेंगी, अतीक अशरफ हत्याकांड का रिक्रिएशन किया जाएगा। हालांकि कल देर शाम तक तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे, इंतजार करते रहे, कल देर शाम तक जब एसआईटी की टीम नहीं पहुंची तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि आज देर शाम तक पहुंचेगी। लेकिन जब आज दोपहर में एसआईटी की टीम और जांच की जो टीमें पहुंची हैं, तो करीब ये आधे से पौने एक घंटे के आसपास की ये जो जांच चली है, और इसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जांच का विषय है, जैसे वो तमाम आपने वो कागजों की बात की है, फाइलों की बात की है, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि आखिर जो 17 पुलिस कर्मी लगाए गए थे अतीक और अशरफ की सुरक्षा में, क्या उनकी चूक वहां पर देखने को मिली थी, और तमाम वो भी सीन को वहां पर क्रिएट किया गया या रिक्रिएट किया गया, कि किस तरीके से हमलावरों ने वहां पर गोलियां बरसाई थी, जो पुलिस कर्मी शामिल थे उनके हथियार उस समय किस जगह पे थे, क्या पुलिस कर्मियों के हथियार अपने सुरक्षा में, क्या इन अपराधियों को किसी तरीके से घायल करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे या उसकी कोशिश की गई थी। तो तमाम ऐसे वो जो सीन है जिसको रिक्रिएट किया गया है, वो आने वाले दिनों में अतीक अशरफ हत्याकांड में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। ठीक है पवन, जब असद का एनकाउंटर किया गया तो पुलिस ने खुलकर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और
असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर की जानकारी दी, लेकिन जब अतीक और अशरफ की मौत हुई और जब उन्हें हथियारों ने गोलियों से भून दिया, तब पुलिस की तरफ से ना तो कोई कॉन्फ्रेंस की गई और ना ही अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने आ रहा है। जी बिल्कुल मुस्कान, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और ये महत्वपूर्ण सवाल बीते 24 फरवरी के बाद से ही लोगों के जहन में है, क्योंकि जब बीते 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही तमाम जो आला अधिकारी हैं इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से कतरा रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर इतने बड़े हत्याकांड में किस तरीके से पुलिस की कार्यवाही है, क्या जांच चल रही है या किस तरीके से बातें हैं, क्योंकि अब पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो बीते 24 फरवरी से अभी तक में तमाम वो बातें सोशल मीडिया पर भी तमाम अफवाहों का रूप ले रही थी। ऐसे में आला अधिकारियों के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि इस पूरे घटना को लेकर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, इस पे ब्रीफ किया जाए। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी है कि जब प्रयागराज पुलिस द्वारा एनकाउंटर में दो अपराधियों को मार दिया जाता है और पूरे प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी सहित तमाम आला अधिकारी है, लेकिन इस पूरे घटना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मीडिया की जानकारी है, वो लखनऊ से आती है। तो इस तरीके की ये जो ये तस्वीरें हैं वो भी दिखा रही कि आखिर आला अधिकारी इस पूरे घटना पर क्यों कतरा रहे हैं। हालांकि बहुत चर्चित हत्याकांड मामला है, और जब शुरुआत में हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि हम इस पूरे घटना पर इस तरह की जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा ये ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं इस पे आला अधिकारियों को सामने आना चाहिए, तमाम वो बयान है, तमाम वो जानकारी। ठीक है पवन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद आज सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे, उनके साथ ही जो नकली अतीक और अशरफ थे वो भी मौजूद रहे। तो वहीं इसी बीच जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेना की गाड़ी में भीषण आग लग गई है। ये बड़ी खबर पुंछ से है, जहां जम्मू एनएच पर सेना की गाड़ी में भीषण आग लग गई है। तो सेना की गाड़ी में भीषण आग लगी है, जम्मू एनएच पर सेना की गाड़ी में आग लगी है। ये आप तस्वीरें भी देखिए, जहां चार जवानों के शहीद होने की भी खबर हम तक लगातार पहुंचा रही है। तो सेना की गाड़ी में आग लगने से ये बड़ा हादसा हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सैनिकों की जो गाड़ी है उसमें आग लग गई, इस दौरान चार जवानों के शहीद होने की भी खबर हमको मिल रही है। ये सेना की वही गाड़ी है जिसमें आग लग गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की इस गाड़ी में आग लगी है और इस गाड़ी में कई सैनिक सवार थे, जिनमें से चार सैनिकों के मौत की भी खबर है। तो चार जवानों के शहीद होने की भी खबर लगातार हमको मिल रही है। ये हादसा जो है पुंछ में हुआ है, पुंछ के जम्मू एनएच पर सेना की गाड़ी में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ये आग इतनी विकराल थी कि धू धू कर धुआं तो दिख ही रहा है तस्वीरों में हमको, लेकिन इस पूरे हादसे में कुल चार जवानों के शहीद होने की भी खबर लगातार हमको मिल रही है। तेईस मार्च को फैसला आने के बाद मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि सूरत के एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। तो सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। आपको बताते चले कि 2019 का ये पूरा मामला था, जब मोदी सरनेम वाले मामले पर जो सूरत की सेशन कोर्ट है उसने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। 2019 मामले पर राहुल गांधी को 23 मार्च को फैसला दिया गया था और 13 अप्रैल को याचिका पर जो 3 अप्रैल है उस दौरान राहुल गांधी ने यह फैसला लिया था कि वो याचिका दायर करेंगे। वहीं आज सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। माफी चाहूंगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, 23 मार्च को ये फैसला आया और 2019 का ये मामला था और वहीं राहुल की सजा को बरकरार रखा गया है, तो ऐसे में अब कांग्रेस का आगे का प्लान क्या होगा? देखिए, सबसे अहम बात है मुस्कान कि यहाँ पर सजा हुई है, सजा के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका यहाँ पर था
तीन अप्रैल को यहाँ पर उन्होंने जो मांगे यहाँ पर रखी थी उन्होंने सुनवाई के लिए कहा था और याचिका दाखिल की थी उस पर यहाँ पर आज 20 अप्रैल को याचिका सुनवाई हुई और यहाँ पर कोर्ट ने उनकी जो याचिका उसको खारिज कर दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका क्योंकि अभी हाल में ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसके साथ साथ 24 के आम चुनाव भी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर कांग्रेस का नुकसान भी है। अब आने वाले समय में चूंकि हमारे पास जो अदालतों की क्रम अलग अलग है, हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, फिलहाल इस मामले में मेरा मानना है कि हाईकोर्ट पहले जाएंगे और हाईकोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट और किया जाएगा। अब इस हाईकोर्ट महत्वपूर्ण बात है मुस्कान, हाईकोर्ट सत्र अधार के फैसले को कंटिन्यू करती है या इस फैसले के खिलाफ जाती है वो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है गौरव, आज जब राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट में जब उन्हें राहत नहीं दी गई है तो आज सुनवाई अधिकतम सजा पर स्टे को लेकर थी और कन्विक्शन पर स्टे की मांग इस दौरान की गई थी, तो कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई थी? दलीलें की बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह की गई कि जिनके खिलाफ टिप्पणी की गई थी उन्होंने वो फिलहाल उसमें बात ही नहीं है, ना नरेंद्र मोदी है ना दो अन्य लोग हैं, तो यहीं पर दलील दी गई है कि जिन्होंने जिनके खिलाफ टिप्पणी को लेकर यहाँ पर मामला चल रहा है वो ही इस मामले में बाधी नहीं है, प्रतिपक्ष नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रियायत मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर दूसरे विधायक ने यहाँ पर याचिका दाखिल की है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में राहुल गांधी जैसे वकील तौर पर कहना था चूंकि जिनके खिलाफ टिप्पणी की गई है वो इस मामले में नहीं है, पक्षकार नहीं है, बाधी नहीं है, तो फिर इस बात पर इतना हा हल्ला क्यों हो रहा है? और यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका है उसको आप सुनवाई कर सकते हैं और सजा कम कर सकते हैं। ठीक है गौरव, 23 मार्च को इस पर फैसला सुनाया गया और राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने जो अपनी याचिका दायर की थी वो 3 अप्रैल को की थी, तो काफी लंबा समय लिया था राहुल गांधी ने, तो इस बार कितना लंबा समय राहुल गांधी की तरफ से या उनकी लीगल टीम की तरफ से लिया जा सकता है? तो क्या अगर वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे तो उसके लिए कोई गाइडलाइन या कोई टाइमलाइन निर्धारित की गई है? देखिए अभी कोई टाइमलाइन निर्धारण नहीं की गई है, जो टाइमलाइन का निर्धारण किया बात करें तो यहाँ पर सत्र अदालत ने इनको समय दिया था कि अब आपका याचिका कर सकते हैं, 30 दिन का समय, तो 30 दिन के समय के अंदर उन्होंने याचिका यहाँ पर दाखिल कर दी। तो कहीं ना कहीं देखिए मुस्कान, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जब यहाँ पर सजा हुई थी उसके बाद लोकसभा सदस्य रद्द कर दी गई तत्काल प्रभाव से, उसके बाद राहुल गांधी ने जो 23 मार्च का दिन था जो ऐतिहासिक दिन था उस दिन को उन्होंने ऐतिहासिक बनाया था, उन्होंने कहा था कि राइट एक्ट के तहत जब जिस तरह महात्मा गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने माफ़ी नहीं मांगी थी, उनको फांसी पर लटकाया गया, तो हम भी माफ़ी नहीं मांगे क्योंकि हम गलत नहीं है और हम माफ़ी नहीं मांग रहे, तो इस दिन को ऐतिहासिक कर रहा है। उसके बाद लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता सत्ताधार पर रहे, जंतर मंतर की बात करें या सभी जिलों की बात करें, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की बात करें, सभी सत्याग्रह किया गया और एक प्रकार से एक बुगल फूका गया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और बताया गया कि ये गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जानबूझ के सत्ता पर निशाना बना रही है। उसके बाद देखा जाता है कि शायद अपील करेंगे नहीं करेंगे, पर अपील 3 अप्रैल को की गई और शायद एक माहौल बनाने के लिए, उत्साह भरने के लिए और शायद ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस इस समय लगातार उत्साह से लबरेज है, इस तरह का समय लगाया गया है। अब आने वाले समय में कितना समय लेती है इस पर बड़ा प्रश्न होगा कि अभी भी इस मामले पर फिर सत्याग्रह होगा या आंदोलन होगा कांग्रेस के द्वारा। ठीक है गौरव, आज सूरत सेशन कोर्ट से राहुल को तो राहत नहीं मिली है और अब जो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इनकी तरफ से क्या कुछ बयान निकल के अब सामने आ रहे हैं? देखिए जैसे ही सजा का यहाँ पर जो सुनवाई थी याचिका खारिज हुई, वैसे ही संबित पात्रा बीजेपी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये न्याय की जीत हुई है, ये अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, ये सच्चाई की जीत हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं तमाम कांग्रेस तमाम नेता अगर बात करें, अभिषेक मनु सिंघवी का भी यही कहना है कि उच्च अदालत में अपील करने हम जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ उन्होंने भी यही बात कही है दलील के माध्यम से कि यहाँ पर जब तीनों पक्षकार जिनके खिलाफ मानहानि के जहाँ पर दावे की बात कही जा रही है, जिनके खिलाफ बोलने की बात कही जा रही है, जब उस बारे पक्षकार नहीं है, बाधी नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जानबूझ के इस मामले को बढ़ाया जा रहा है और कोर्ट को समझना चाहिए कि अगर इस मामले को जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर राहुल गांधी की सजा को कम किया जा सकता है और उनकी लोकसभा की सदस्यता लौटाई जा सकती है। ठीक है धन्यवाद गौरव इस खबर पर जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद यूपी के जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, राज्य के अलग अलग जिलों में छोटे क्राइम से लेकर गैंगस्टर से बाहुबली नेता बने माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार अब कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई है। 500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के इरादे से प्रशासन ने पहले ही
64 माफियाओं की एक लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें तमाम बड़े माफियाओं का भी नाम है। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ही एक बयान दिया था, वो भी आपको सुनाते हैं। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं विश्वास हम सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। तो आपने सुना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ये कहा कि अब यूपी में कानून व्यवस्था का राज कायम है और साथ ही साथ अब यूपी में माफियाओं का डर नहीं रह गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, जिस तरीके से ये 64 माफियाओं की लिस्ट जारी की गई है, तो क्या इसको सफाई अभियान 2.0 कहा जाए? और अब जिस तरीके से ये लिस्ट जारी की है, तो इनमें किन किन बड़े माफियाओं का नाम शामिल है और क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है इन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए? मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश के स्पेशल एडीजी प्रशांत कुमार की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें प्रदेश के लगभग 61 माफियाओं की नाम को रखा गया है इस लिस्ट में। साफ तौर से अगर देखा जाए तो चाहे पशु तस्करी हो, चाहे वन के पेड़ों की तस्करी हो, चाहे बात की जाए शिक्षा माफिया हो या खनन माफिया हो या वो किसी तरह का माफिया हो, उस पर कार्रवाई करके आने वाले दिनों में उनकी जो तमाम गलत कार्य करके अब जो संपत्ति है उसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर जहां प्रदेश के अंदर में हाल फिलहाल में अगर देखें तो अतीक अहमद की हत्या के बाद योगी सरकार पर एक आरोप लगता हुआ नजर आया, जिसके ठीक बाद एक लेटर जारी करते हुए लिखा गया कि प्रदेश की सरकार बिना किसी जाति भेदभाव के और बिना किसी नस्ल के भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब बात करें तो माफियाओं की लिस्ट को सार्वजनिक किया गया है मुस्कान, जिसमें अगर देखें तो जोनवार तरीके से माफियाओं के नाम लिखित है और आने वाले दिनों में इनकी संपत्तियों का कहीं ना कहीं जायजा लिया जाएगा और अगर बेनामी निकली तो कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। आपको बताएं कि अगर देखा जाए तो मेरठ जोन से उधम सिंह और योगेंद्र भदौड़ा का नाम रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो ऐसे ही अगर देखें तो जोन वाइज तरीके से प्रदेश भर के तमाम जोन के माफियाओं ठीक है। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोन वार माफियाओं की सूची तो तैयार कर ली है, तो सबसे ज्यादा कौन से जोन के अपराधियों की संख्या बताई गई है? जी, आपको बता दें तो पूर्वांचल और पश्चिमांचल से कहीं ना कहीं अपराधियों की जो लिस्ट है वो एक लंबी नजर आती है, जो लिस्ट अभी सार्वजनिक की गई है। अगर बात करें तो पश्चिम के अंदर से कहीं ना कहीं भाटी गैंग हो या सुनील वाठी गैंग हो, चाहे प्रदेश के अंदर में अतीक अहमद का हो पूर्वांचल के, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे अगर बात करें तो गोरखपुर मंडल के रामू द्विवेदी हो, ऐसे तमाम जो सफेदपोश माफिया है उनको भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो प्रदेश सरकार पे आरोप लग रहा है कि एक जाति मजहब देखकर कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो क्या आने वाले दिनों में जो लिस्ट जारी की गई है उस आधार पर कितनी कार्रवाई होती है? जी विभांशु, लगातार हमने सुना है कि अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा और अब यूपी में माफियाओं का राज नहीं है, गुंडों का राज नहीं है, लेकिन अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद क्या वाकई में यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए
तो कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कई बार अपने संबोधन में कह चुके हैं कि प्रदेश के अंदर में जो माफिया हैं वो माफी मांगते हुए नजर आएंगे। वहीं उन्होंने विधानसभा के अंदर में कहा था मुस्कान कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और आपके अगर सवाल पे लौटे तो अतीक अहमद की हत्या के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े हुए, क्योंकि एक कुख्यात अपराधी जिसको लाने के लिए साबरमती से तमाम हथियार बंद बॉडी वार्म कैमरे और उसकी जो गाड़ी थी जिसमें अतीक अहमद को लाया गया था उसमें भी कैमरे लगाए गए थे। साथ ही साथ हाल फिलहाल में आपने देखा कि प्रदेश के अंदर में जो तमाम बड़े अपराधी हैं, चाहे बात करें जेलों में जो बंद है उन टॉप 10 अपराधियों को कैमरे में की निगरानी में रखने की बात कही गई थी, उसके ठीक बाद अब कहीं ना कहीं सवाल उठा था कि पुलिस की गिरफ्त में कैसे एक कुख्यात अपराधी की हत्या की गई। उसके बाद अगर देखें तो प्रमुख तमाम विपक्षी दल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ठीक है। विभांशु, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि एक प्लान तैयार किया जाएगा, जो बेनामी संपत्ति है उसको पहले चिन्हित किया जाएगा, फिर उसे बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, तो क्या महज बुलडोजर की कार्रवाई ही माफियाओं पर, अपराधियों पर लगाम लगाने में बहुत है? जी बिल्कुल, आपको बताएं मुस्कान, अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में अगर 6 सालों के कार्यकाल को देखें तो बुलडोजर का कहीं ना कहीं अहम योगदान सरकार के अंदर में रहा है। और बात करें तो जो तमाम अपराधी फरार हैं उनको बुलडोजर दिखाकर कहीं ना कहीं उनकी संपत्तियों को गिराया गया है, चाहे मकान हो चाहे प्रतिष्ठान हो। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि माननीय कोर्ट की तरफ से ऐसे तमाम याचिकाएं पड़ी हैं माननीय कोर्ट में कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, अब ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट को ये तय करना है। मगर अगर देखें तो भारत के संविधान में जो 4 पिलर है उसमें से एक है न्यायपालिका, और अगर कार्रवाई होनी है तो कार्रवाई न्यायपालिका से ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में प्राथमिक स्कूलों की खराब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में बेसिक शिक्षा विभाग अब जुट गया है, और वहीं जिलों के 5 स्कूलों का खुद महानिदेशक निरीक्षण करेंगे, जबकि 24 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण और जांच में खराब प्रदर्शन पर शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं जिन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था खराब मिलेगी प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा महानिदेशक अब कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जाएगी, साथ ही प्रिंसिपल पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुहानी, यूपी में जो शिक्षा व्यवस्था बदहाल है उसको लेकर क्या कुछ प्लान तैयार किया है? जी मुस्कान, बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा जो प्रणाली है उसमें जो सभी जिलों में जो खराब प्रदर्शन मिल रहा है उसको लेकर विभाग जो है 2 दिन का जो भौतिक निरीक्षण करेगी। साथ ही आपको बता दें कि जो निदेशालय है वो एक टीम गठित किया है, और उसका साफ तौर का कहना है कि जो भी जिलों में हम निरीक्षण करेंगे और उसमें कमियाँ दिखेगी उसके बाद हम उसको वहाँ के अधिकारी और वहाँ के जो शिक्षक हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो विभाग है वो उसके जो मासिक बैठक में जिन जिलों में कमियाँ बराबर आती रह रही है, चेतावनी देने के बावजूद भी उसमें प्रदर्शन उसमें सही प्रदर्शन नहीं किया जा रहा, उसमें खराबियां ही मिल रही है, तो उस पे जो प्रदेशक निदेशालय है वो अपनी एक टीम गठित किया है और उसके साथ उस पे निरीक्षण करेगी। साथ ही आपको बता दें कि सुहानी, शिक्षा महानिदेशक भी कुछ स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, जैसा कि हमारे पास लगातार खबरें पहुंच रही है, तो क्या उन स्कूलों को चिन्हित किया जा चुका है, और अगर चिन्हित किया जा चुका है तो उन स्कूलों का नाम क्या है और वो कौन से जनपद के हैं? जी मुस्कान, आपको बता दें कि जो शिक्षा जो हमारे महानिदेशालय जो विजय किरण आनंद है वो खुद 5 जिलों का जाके निरीक्षण करेंगे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो निरीक्षण है वो 24 अप्रैल से लेके 15 मई तक ये निरीक्षण किया जाएगा, और इसका रिपोर्ट 15 दिन के अंदर ही प्रदेशक न्यायालय को देना पड़ेगा। और जो इसमें स्कूल का नाम जो अंकित किया गया है वो स्कूल है बलिया, बस्ती, हरदोई, सीतापुर, इसमें तमाम जो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके जाके स्कूल को निरीक्षण किया जाएगा, और वहाँ के जो
अधिकारी हैं और वहाँ के जो जो प्रिंसिपल है उन पे कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है सुहानी, जो सबसे अहम शिकायतें अक्सर स्कूलों से सामने आती है वो है मिड डे मील की। मिड डे मील की शिकायतें बीएसएस से भी की जाती है लेकिन बीएसएस मामले को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। जी मुस्कान, आपको बता दें कि हमेशा जो मिड डे मील से लेके तमाम जो आंगनबाड़ियों के भी कई बार शिकायतें की गई लेकिन आपको वही बता दें कि सुबह के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे हमेशा जो है स्कूली शिक्षा व्यवस्था विद्यालय से लेके हमेशा उस पर प्रदर्शन कर बैठते रह उस पर बैठकें करते रहते हैं, उन्हें सुविधाएँ देते रहते हैं। साथ ही आपको बता दें यूनिफॉर्म से लेकर उनके पाठ्य पुस्तक तमाम चीज़ों को जो है उस पर सुविधाएँ देते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप देख ही सकती है 25 जिलों की जो स्कूली व्यवस्था वो बेदहाल देखा जा रहा है और इसी को लेकर तमाम जो वो विभाग है उस पे आप बैठकें करेगी और उस पे निरीक्षण। ठीक है सुहानी, मेरे आपसे आखिरी सवाल यह है कि अभी आपने जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम दिशा निर्देश देते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार सूबे की सत्ता पर काबिज हुए थे और 2023 चल रहा है, तो इतना समय क्यों लग रहा है शिक्षा विभाग पर एक्शन लेने के लिए या प्रिंसिपल और स्कूल्स पर एक्शन लेने के लिए? जी मुस्कान, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था पहले की अब शिक्षा व्यवस्था देख सकती हैं और अभी का देख सकती हैं बहुत ही अंतर आया है क्योंकि अभी जब भी बोर्ड परीक्षा भी हुआ है उसमें तमाम कड़ी सुरक्षा के साथ उन्होंने बोर्ड परीक्षा दिए। जैसे आप पहले देख सकती है कि बोर्ड परीक्षा जो होती है पूरी तरह से धांधली होता था उसमें और चिट की तरह से करवाया जाता, लेकिन इस बार जो शिक्षा जो बोर्ड की परीक्षाएँ हुई है उसमें कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई के साथ और सीसीटीवी कैमरे के साथ करवाई गई और अच्छे से इस बार बोर्ड परीक्षा हुआ है। तो आपको बता दें कि 2017 से लेकर 2023 तक के जो शिक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं सुधार आया है लेकिन ये जो गड़बड़ी जो 5 जिले में चल रही है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये अधिकारियों और वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से कोई भी इसमें रुकावटें नहीं देखी क्योंकि सरकार आपको बता दें कि 23-24 के जो वर्ष है उसमें करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने पैसा दिया था। साथ ही आपको बता दें महानिदेशालय है विजय किरण उनका खासतौर पर यही करना है कि जो सरकार है वो हमेशा जो शिक्षा व्यवस्था सुधार लाने के लिए तमाम शिक्षा नीति तमाम योजनाएं लाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें अपनी योजनाएं लाती रहती है। सरकार ठीक है, बिल्कुल 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 सुहानी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।